नमस्कार, मैं हूं सिल्की सिंह और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे टैरोट बाय सिल्की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो आज आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टाइम वेस्ट रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय माय डियर एरीज, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज, मैं पहले बता दूं ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप जाने दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसको ही रखिएगा। सेकेंडली, ये टाइम वेस्ट रीडिंग है, तो कभी भी आपके अकाउंट पे आए, जब भी आपके अकाउंट पे आए आपके लिए तब से वैलिड है, तब से नेक्स्ट 15 डेज आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दीजिए। तो नेक्स्ट 15 डेज एरीज के लिए कैसे रहने वाले हैं? अच्छा, यहां से भी एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, डोर टू स्पिरिट आपकी। ओके, डोर टू स्पिरिट, द सन। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। एक कार्ड हम गीता डेक से लेंगे। Very difficult to pull with this card. Okay, grief. आपके लिए यहाँ पे आया है grief. And the bottom of the deck is God reciprocation. ठीक है, और यहाँ से हम कुछ कार्ड और ले लेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आपके मन में कोई भी क्वेरी है आपको करके आप पूछ सकते हैं। बिकॉज दीज आर एंजल गाइडेंस कार्ड, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं या किस कैसे आपको आंसर करना चाहते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, ओके, नाइस। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अभी आप क्या है ना, अभी आप एक सर्वाइवल मोड में दिख रहे हैं मुझे भी प्रेजेंट सिचुएशन में। मतलब किसी चीज को यू वांट टू, आपका मन है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत जल्दी ना, ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत मतलब पेशेंस नहीं हो रहा है आपसे, बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं उस चीज को। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? आपको लग रहा है कि आपके साथ कई चीजें गलत हुई हैं और आप उस चीज को सही करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान उस चीज को सही करे आपके साथ, या उसमें कहीं ना कहीं आपका एक फेवर जो हो, थोड़ा सा जो एक फेवरिज्म, आपको एक फेवर मिलना चाहिए, या आपने जितनी भी चीजें करी हैं उसका आपको आउटपुट मिलना चाहिए। वो आई थिंक आपको आउटपुट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी देखूं तो पास्ट में आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टबर्न थे, थोड़ा सा किसी चीज को पकड़ के क्या कहते हैं, फर्म थे, जिद था थोड़ा सा कि ये तो ये, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। एक्शन की जब मैं कहती हूँ तो एक्शन का मतलब ये होता है कि आप मुझे जो भी चीजें आपके, जो भी आपके डिजायर्स हैं, आप उसके लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी, मैं बोलूंगी थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है, थोड़ा सा आप एक जिद पे आ गए हैं कि ये काम जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा जिद है इस चीज को लेके, थोड़ा सा आई गेस निराशा भी है इस चीज को लेके कि काम नहीं हो रहा है और भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे। यू आर जस्ट रनिंग,
कोई एम नहीं लग रहा है, मतलब कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बट यू आर जस्ट मूविंग अहेड. ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूँ नेक्स्ट 15 डेज में, तो नेक्स्ट 15 डेज में जो ये आपका ये जो भाग दौड़ हो रहा है ना, अभी जो आपको लग रहा है कोई एम नहीं है, एक्स वाई कुछ एम नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा बहुत चांसेस हैं कि किसी तरीके का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है. अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हाँ, किसी तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है. रिलोकेट भी कर सकते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं. एक लक, एक फेवरिज्म आपके तरफ आ रहा है यूनिवर्स के साइड से. जो आपको लग रहा था ना कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, मेरा इंटरव्यू सही जा रहा है बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सारी जो आउटकम है एक, या फिर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो कि मैं ही सब कुछ कर देती हूँ, सामने से कुछ नहीं हो रहा है, रिकनसाइल नहीं हो रहा है. अगर छोटी मोटी झगड़े हैं तो ऑब्वियसली हाँ, होते हुए दिख रहा है रिकनसिलिएशन, बट हाँ ऑब्वियसली अगर कोई बहुत मेजर हुआ है तो उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत. ठीक है, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए जाना पड़ेगा. अगर मैं आगे बात करूँ तो हाँ, मुझे ये बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे आपको ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है. आप मुझे ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं. अगर आप रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो बहुत सेल्फ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं. और यहाँ पे मुझे ज्यादातर कैंसेरियंस जो आई एम सॉरी ज्यादातर एरीज जो है वो मुझे यहाँ पे सिंगल दिख रहे हैं. क्या पता आप कैंसर से भी डील कर रहे हो, तभी मेरे मुंह से कैंसर निकला. तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर जो लोग है ना वो सिंगल दिख रहे हैं, सेल्फ लव में दिख रहे हैं, खुद के ग्रोथ खुद के अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं. और आपको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एंजल्स का भी बोलूँ, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है पहला डोर टू स्पिरिट, और उसके साथ में आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स एन आंसर. इफ यू कैन सी दीज कार्ड्स, तो ये दोनों कार्ड का मतलब ये है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए. अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि व्हाट इज विद इन यू. ठीक है, आपको ये देखने की जरूरत है. थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, हो सकता है तो अब किसी भी गुरु को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप जाइए मंदिर मस्जिद जो भी आप मानते हैं, आप वहां पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा अपने अपने आप को पहचानिए, थोड़ा सा अपने अपने लिए टाइम स्पेंड अपने लिए टाइम निकालिए. ठीक है, और सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी बात को ऑन द टेबल बहुत फर्मली रखने की जरूरत है. शायद आप नहीं रख पा रहे हैं इतना, और बस इसी वजह से आपको आपको ये वाली फीलिंग भी आ रही है कि आप जितना कि आपको उतना नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको अपने लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा जो आपके लिए करेगा. ठीक है, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ओके, यहाँ से गीता डेक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया है. यू डोंट नीड टू बी सैड, यू नीड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज. आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, और आपको उसको परफॉर्म करने की जरूरत है, आपको उस पर एफर्ट लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है. तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग एरीज. आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप आप इस चीज़ से ये चीज़ आपको रेजोनेट करे. जो भी रेजोनेट करे नीचे कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई. लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते.